मैं डोंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक स्कूल से आपका संगीत का साथी, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और टॉपिक है श्रुति और स्वर व्यवस्था। किस स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं, उनको स्थापित कैसे किया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्वरों की श्रुति अंतर, एक स्वर से दूसरे स्वर की जो बीच में अंतर है वो कितने श्रुतियों का अंतर है, ये भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आगे रागों को सीखने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज स्वर व्यवस्था की बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले अपनों को एक जानकारी ये जरूरी होनी चाहिए कि नाद होता है, एक आवाज़ होती है, और उसमें कई प्रकार की आवाज़ होती है, नियमित, अनियमित, मधुर, कर्णप्रिय, कर्कश, इस तरह की ये नाद होती है। आवाज़ जो है जिसको हम सुनते हैं उनको श्रुति कहते हैं। तो इनमें से जो मधुर आवाज़ हो, नियमित हो और कर्णप्रिय हो और जो संगीत में उपयोगी होती हो, ऐसी 22 श्रुतियों को विद्वानों ने चुना है। हमारे सप्तक के जो 12 स्वर हैं उनमें इन श्रुतियों का विभाजन है, और किस स्वर को कितनी श्रुतियाँ दी गई और वह स्वर अपनी श्रुतियों के किस नंबर की श्रुति पर रहा है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों कि श्रुतियाँ कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी हैं। प्राचीन काल का मतलब ईसा से पूर्व ही भरत मुनि ने, सारंगदेव ने, इन्होंने 22 श्रुतियों का निर्धारण कर दिया गया था कि संगीत में संगीत उपयोगी 22 श्रुतियाँ है। इसमें मध्यकाल के जो संगीत के ज्ञाता अहोबल जी, वेंकट मक्खी और पंडित पुंडरीक जी जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को पुष्टि की है। उन्होंने भी जो है 22 श्रुतियाँ संगीत उपयोगी मानी थी। इसके अलावा उस समय प्राचीन काल से लेकर मध्यताल काल तक इनका बंटवारा जो था, और आधुनिक काल में भी इनका बंटवारा जो है श्रुतियों का, वो समान रहा है। जिसमें प्राचीन काल में भरत मुनि समझ लो, मध्यकाल में अहोबल जी या पुंडरीक पंडित समझ लो, या हमारे आधुनिक काल में भातखंडे जी को समझ लो, सभी जो हैं इन 22 श्रुतियों पर एक मत हैं, और किस स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं उस पर भी एक मत है। जैसा कि सा के जो हैं 4 श्रुतियाँ हैं, ये तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, ये 4 श्रुतियाँ जो हैं ये सा की है। इसके बाद 3 श्रुतियाँ जो हैं दयावती, रंजनी और रक्तिका, ये 3 श्रुतियाँ रे की हैं, रौद्री और क्रोधी ग की है 2 श्रुतियाँ, फिर 4 श्रुतियाँ म की है, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति और मार्जनी। उसके बाद प की भी 4 श्रुति हैं, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी। ध की 3 श्रुति हैं, मदंती, रोहिणी और रम्या, और नी की 2 श्रुति हैं, उग्रा और शोभिनी। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं, इनमें ये क्लियर हो कर दिया सब एक मत से कि सा की 4 श्रुतियाँ हैं, रे की 3 श्रुतियाँ हैं, ग की 2 श्रुतियाँ हैं, म की 4 है, प की 4 है, ध की 3 है और नी की 2 है। अब प्राचीन काल में सा को या इन स्वरों को अपनी अपनी जो श्रुतियाँ हैं उसके किस स्थान पर रखा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल और मध्य काल में जो श्रुतियाँ हैं जिस स्वर के पास, उसमें अंतिम श्रुति पे उस स्वर को रखा गया। जैसे सा की 4 श्रुतियाँ हैं तो 1, 2, 3, 4 हैं, तो सा को 4 नंबर श्रुति छंदोवती पे रखा गया। रे की 3 श्रुतियाँ हैं, दयावती, रंजनी, शक्तिका, तो रे को 7 नंबर की श्रुति पे रखा गया। सा को 4 नंबर पे, रे को 7 नंबर पे, ग को 9 नंबर पे, प को 13 नंबर पे, ये जो आप समझ रहे हैं इस चीज को, म को 13 नंबर पे, कि म की 4 श्रुतियां हैं 10, 11, 12, 13, ठीक है।
तो न 10 पे रखा, न 11 पे रखा, न 12 रखा, 13 पे रखा, मतलब अंतिम जो श्रुति है म की, उस पे म को रखा 13 नंबर पे। इसी प्रकार सबको अंतिम श्रुति पे रखा है, सा को चौथी पे, रे को सातवीं पे, ग को नौवीं पे, म को तेरहवीं पे, और प की चार श्रुतियाँ हैं 14 से 17, तो 17वां नंबर श्रुति पर प को रखा गया। और ध की तीन श्रुतियाँ हैं, मंदती, रोहिणी, रम्या, 18, 19, 20, तो ध को 20 पे रखा गया। और नी को जो है 22 नंबर श्रुति पर रखा गया। दो श्रुतियाँ हैं नी की, उग्रा और क्षोभिणी, 21, 22, तो 21 पे न रख के 22 पे रखा। मतलब जिस स्वर की जितनी श्रुतियाँ हैं ये क्रमवार सभी एक सप्तक, इसको एक सप्तक समझ लीजिए आप, सा रे ग म प ध नी, ठीक है। तो ये श्रुतियाँ इसी हिसाब से एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ हैं। तो सा की चार श्रुतियाँ हैं और 4 नंबर पे रखा गया, रे की 3 श्रुतियाँ हैं, 7 नंबर पे रखा गया, ग की 2 श्रुतियाँ हैं, 9 नंबर पे रखा गया, म की 4 श्रुतियाँ हैं, 13 नंबर पे रखा गया, प की 4 श्रुतियाँ हैं, 17 नंबर पे रखा गया, ध की 3 श्रुतियाँ हैं, 20 नंबर पे रखा गया, नी की 2 श्रुतियाँ हैं, 22 नंबर पे रखा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आधुनिक काल में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, भातखंडी जी ने और अन्य विद्वानों ने मिलकर इसको थोड़ा साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो है वो चीज का विश्लेषण, बहस और सम्मेलन वगैरह करके इसका, इनका स्थान चेंज कर दिया। वो क्या रहा, अब आधुनिक काल में क्या किया गया है, ये आधुनिक काल का, आधुनिक काल हिंदुस्तानी संगीत, इसमें क्या किया गया कि चार की, सा की जो चार श्रुतियां हैं, 1, 2, 3, 4 नाम मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो प्राचीन काल में और मध्य काल में सा को 4 नंबर श्रुति पे रखा गया है, उसको वहां से हटाकर पीछे ले गए, 1 नंबर पे कर दिया गया। तो अब इसका क्रम जो था कि जो सा 4 नंबर पे था पहले, 4 नंबर श्रुति पे था, वो 1 नंबर पे आ गया, और रे जो है 7 नंबर पे था, वो 5 नंबर पे आ गया, ग जो 9 नंबर पे था वो 8 पे आ गया, क्योंकि ग की 2 ही श्रुतियां हैं, कौन सी, 8 और 9, तो पहले अंतिम श्रुति पे था, 9 पे था ग, जो 8 पे आ गया आधुनिक काल में। म जो था 4 श्रुतियां लेकर 13 नंबर श्रुति पे था, उसको 10 नंबर पे रख दिया गया, क्योंकि म की श्रुति 10 से ही शुरू होती है, 10, 11, 12 और 13, ये 4 श्रुतियां म की है। तो पहले 13 पे था म, जिसको 10 पे रख दिया, फिर आया प, प की 4 श्रुतियां हैं, 14, 15, 16, 17, ठीक है, तो उसको जो 17 पे था, पहले प 17 पे था, उसको 14 पे ले आए, ठीक है। और ध जो था, ध की 3 श्रुतियां, 18, 19, 20, तो 20 पे था पहले ध, 20 पे, जिसको 18 पे ले आए। और नी जो था, 2 श्रुति थी नी की, 21, 22, जो अंतिम श्रुति, श्रुति 22 पे था, उसको प्रथम श्रुति उसकी 21 पे ले आए। ये चेंजेज हुआ, पाश्चात्य संगीत भी इस चीज में बिलीव करता है। अब आप देखिए, अब इससे एक बात और क्लियर होगी कि किस स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो सा की 4 श्रुतियां हैं, ये डायग्राम पूरा प्राचीन काल है, तो श्रुतियां सभी में, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में श्रुतियों में कोई अंतर नहीं है, श्रुतियां वो की वो है, 4-4 है, सिर्फ स्वर का, स्वर की जो स्थापना थी पहले, जिसकी प्रथम श्रुति पे था, जो भी जिसकी भी श्रुतियां 3 थी, तो पुराने समय में क्या था कि जिस स्वर के 4 श्रुतियां थी, तो उसको चौथे नंबर पे उस स्वर को रखा गया, जिस स्वर की 3 श्रुतियां थी उसको तीसरे नंबर की श्रुति पे रखा गया, जिसकी 2 श्रुतियां थी तो उस स्वर को दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर की श्रुति पर स्थापित
किया गया, जो इस डायग्राम से स्पष्ट होता है। ठीक है, आधुनिक काल में जितनी श्रुतियां थी, जैसे सा की चार श्रुतियां हैं तो सा को पहले नंबर पर रखा, रे की तीन श्रुतियां हैं तो पहले नंबर की श्रुति पे रे को रखा, ग की दो श्रुतियां हैं तो पहले नंबर की श्रुति पर ग को रखा, ये हो गया। तो ये श्रुतियां, अब कौन सी श्रुति पे कौन कौन सा स्वर है ना, वो आपका मैंने इस डायग्राम में कर दिया कि सा पहली श्रुति पे, रे पांचवी पे, ग आठवीं पे, म दसवीं पे, प चौदह, ध अठारह और नी इक्कीस पे वर्तमान में। ये दोस्तों ये श्रुति अंतर के लिए आपके बहुत काम आएगा, जब राग में संवाद होता है सा और म का, तो कहते हैं ना कि दो श्रुति अंतर जो वादी और संवादी में होता है तो अच्छा माना जाता है। दो श्रुति अंतर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो श्रुति का अंतर, नहीं, दो श्रुति अंतर का मतलब नौ और तेरह श्रुति, किसी वादी और संवादी में अगर नौ श्रुतियों का अंतर हो तो उसको अच्छा माना जाता है, और वादी और संवादी में अगर तेरह श्रुतियों का अंतर हो तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे सा एक पे है, मान लो सा वादी है, पहली बात तो वादी संवादी जो है इसका भी बंटवारा किया गया है, अगले चैप्टर में अपन आएंगे। अंतर के हिसाब से आपको बता दूं कि सा प अपन ज्यादातर सुनते हैं, सा वादी तो प संवादी, तो प तेरह चौदह पे है और सा एक पे है, तो चौदह में से एक गया तो तेरह श्रुति का अंतर हो गया, तो ये बहुत अच्छी श्रुति अंतर माना गया है। ठीक है, जैसे रे, रे और ध का करें तो अठारह में से पांच निकाल दे तो तेरह श्रुति का अंतर रहता है, वो भी अच्छा है। और अगर सा म का संवाद होता है तो दस म दस नंबर श्रुति पे है, उसमें से सा की एक श्रुति घटा दे तो सा म का संवाद जो है वो नौ श्रुति के अंतर पे बैठता है, जिसको भी अच्छा बताया गया है। तो ये वादी संवादी को समझने के लिए, ये श्रुति अंतर को समझने के लिए ये चीज आपके आने वाले वीडियो में बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले डाला है ताकि श्रुति अंतर समझ सको। यहाँ एक बार और मैंने यहाँ कर दिया, सा से रे की श्रुति चार श्रुति है तो ये कभी भी वादी संवादी नहीं हो सकते, सात वाला भी नहीं हो सकता, नौ वाला हो सकता है, तेरह वाला हो सकता है, ये तेरह वाला हो सकता है, दस वाला, दस का अंतर हो सकता है, तेरह का अंतर हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जो आपके ध्यान में होनी जरूरी है। अब इसी तरह कोमल स्वरों का भी संधारण कर दिया गया है दोस्तों। जो रे है, वैसे तो रे तीन श्रुति पांच नंबर से शुरू होता है, लेकिन कोमल रे जो है सा की तीसरी श्रुति पे है, बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। चार की सार चार श्रुतियां हैं तो एक नंबर श्रुति पे सा है, ठीक है, और एक श्रुति छोड़ के तीन पे कोमल रे हैं, ठीक है, जो चौथी श्रुति तक कोमल रे रहता है, उसके बाद में ये पांचवी श्रुति पे रे शुरू होता है, ठीक है। इसलिए हम जो कर्ण स्वर देते हैं ना किसी पास वाले स्वर का, तो वो अनुचित नहीं है, वो स्वर बदलता नहीं है। कर्ण स्वर में श्रुति लगती है, पूरा स्वर नहीं लगता है। तो रे को देखो तीन नंबर श्रुति पे है, ग को सात नंबर पे है और म को बारह नंबर पे, म तीर को, और ध कोमल को सोलह पे और नी कोमल को बीस पे, ठीक है। ये इस तरह से ये हो गया श्रुति अंतर, सब कुछ हो गया। अब ये आपको चीजें दोस्तों, आपको खुद को भी इस डायग्राम को लिख के याद करना चाहिए, और ये आपके आगे जो है भविष्य में ये परीक्षा में भी काम आएगा लोगों के, और जो संगीत सीख रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक कॉपी में इनको लिख दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है,
और मेहनत लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हिम्मत की जरूरत बहुत है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलत न बता दूं। वो हिम्मत मैंने जुटाई है आपके लिए और ये बिल्कुल सही चीज आपके समक्ष प्रस्तुत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। पूरा तो आपने देखा होगा, तब आप मेरी बात सुन रहे होंगे, और अगर स्किप करके आप यहां आए तो निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। हमारा अगला वीडियो जो है वो होगा पूर्वांग और उत्तरांग क्या है, सप्तक का बंटवारा है, रागों का वादी संवादी का बंटवारा है, रागों का बंटवारा है, उसके अलावा समय का भी बंटवारा है, कई चीजें हैं, और वादी संवादी के श्रुति अंतर का बंटवारा है। इसलिए ये वीडियो पहले बना है और नेक्स्ट वीडियो आपका उत्तरांग और पूर्वांग राग के बारे में मैं लिखकर हाजिर होऊंगा।